प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब लॉज ऑफ मोशन का प्रॉब्लम को वर्कआउट करते हैं जो कि आपका यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है और इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, राइट। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये कहा जा रहा है कि 10 1 रुपी कॉइन्स है, एक एक रुपए का 10 कॉइन ले लीजिए। तो मैंने ले भी रखा है, देखिए यहाँ पे 10 कॉइन मैंने ले रखा है, ये आपके एक रुपी का कॉइन मैंने ले रखा है, आप भी ले लीजिए घर पे 10 कॉइन ऐसे लेने हैं और उसको एक के ऊपर एक रख दीजिए। मतलब क्या हुआ कि पुट ऑन टॉप ऑन ईच अदर, मतलब हो गया कि जैसे ये एक सरफेस मैंने ले लिया और इस तरीके से इसको जो कॉइन को हमने प्लेस कर दिया, देखिए यहाँ पे ऐसे मैंने प्लेस कर दिया है, तो प्लेस कर दी गई है। अब कहा गया कि और हर एक कॉइन की मास एम है, ऑब्वियस सी बात है आइडेंटिकल कॉइन है तो सबकी मास एम ही होगी। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है किसकी, कि फोर्स की। पहला कह रहा है यहां पे कि द फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन इट्स टॉप, राइट। तो मैंने ये फिगर बना रखा है, देखिए कॉइन का नंबरिंग कर रखा है 1 2 3 4 5, ये 10 कॉइन्स ऐसे लगा दी गई है जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। हमारे को निकालना है फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन, सातवें कॉइन पे, मतलब ये वाला सातवां कॉइन जो कि नीचे से काउंट करना है, ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन स्टॉप, मतलब ड्यू टू दीज थ्री कॉइन्स, मतलब आठवें, नौवें या दसवें, मतलब ये तीनों कॉइन मिलके सातवें कॉइन पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये बात है यहाँ पे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आठवें सातवें कॉइन के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन, इसी की वैल्यू निकालनी है कि आठवां और सातवां कॉइन इसके बीच का जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसके बीच जो नॉर्मल रिएक्शन है एक्चुअली उसकी वैल्यू निकालनी है, बात यहां पे ये है। तो आप क्या करेंगे कि आपके दिमाग में आएगा कि मैं सातवें कॉइन का एफबीडी बनाऊं। यदि आप सातवें कॉइन का एफबीडी बनाते हैं, मतलब सातवां कॉइन हमारा हो गया सिस्टम में, तो यदि इसको सिस्टम लिया जाए तो इसका सराउंडिंग कौन कौन होगा, तो क्योंकि एफबीडी बनानी है तो एफबीडी बनाने में हमें यह देखना पड़ता है कि सराउंडिंग कौन कौन होगा। तो सातवें कॉइन का जो सराउंडिंग है, एक तो आपका अर्थ होगा, तो अर्थ कहां लगाएगा फोर्स, mg डाउनवर्ड। फिर इसके बाद आठवां कॉइन सातवें कॉइन को कहां लगाएगा, नीचे को लगाओगे नॉर्मल रिएक्शन आर, नीचे को अप्लाई करेगा नॉर्मल रिएक्शन आर। इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो आठवां कॉइन सातवें कॉइन पे जो नॉर्मल रिएक्शन आर लगाएगा वो नीचे लगाएगा। आप ये ना सोचना कि मैं आठवें कॉइन का केवल फोर्स निकाल रहा हूं, ये नहीं है, हमारे को निकालना है इन तीन क्वाइन की वजह से जो यहां पे फोर्स है। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि आठवें और सातवें क्वाइन के बीच का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, मतलब ये है। तो इन दोनों के बीच का जो आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा आर, वो आपका डाउनवर्ड लगेगा। फिर छठा क्वाइन भी सराउंडिंग में है, तो छठा वाला क्वाइन सातवें क्वाइन पे कहां लगाएगा फोर्स, आर डैश ऊपर को लगाएगा। तो इस तरीके से इसकी एफबीडी बनेगी सातवें क्वाइन की, राइट। तो सातवें कॉइन का मैंने एफबीडी बना दिया। अब इसमें दिक्कत यह है कि मुझे आर निकालना है, अब पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो आर डाउनवर्ड है, एमजी भी डाउनवर्ड है। अब आप बताइए नेट फोर्स इसके ऊपर कितना लिखेंगे, और आर डैश अपवर्ड है तो डाउनवर्ड को मैं पॉजिटिव ले लूंगा, तो मैं लिखूंगा आर प्लस एमजी माइनस आर डैश विल बी इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि रेस्ट में पूरा का पूरा सारा कॉइन, तो इट विल बी इक्वल टू जीरो, मतलब आर प्लस एम जी माइनस आर डैश विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेवंथ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रेस्ट में है तो जीरो हो गया, तो आर प्लस एम जी माइनस आर डैश विल बी इक्वल टू जीरो। बट आर निकालना चाहते हैं तो आर तो तभी निकलेगा ना जब आपको क्या निकालेंगे आप, आर डैश। जब तक आर डैश नहीं निकलेगा तब तक नहीं हो पाएगा। तो अब आर डैश निकालने के लिए आप सिक्स्थ कॉइन का एफबीडी बनाएंगे, फिर इसके बाद फिफ्थ कॉइन का बनाएंगे, एक ये प्रोसीजर होता है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो अब ये है कि ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, क्योंकि अब मैं आर डैश निकालना चाहता हूं तो आर डैश के लिए मुझे फर्दर फिर से काम करना पड़ेगा, फिर से छठे कॉइन की एफबीडी बनानी पड़ेगी। या ऐसा भी सोचा जा सकता है यहां पर कि दसवें, नौवें, आठवें और सातवें, इन चारों की एफबीडी बनानी पड़ेगी। मेरी बात आप समझे, आर डैश यहां पर अननोन है, आर तो तभी निकलेगा जब आर डैश की वैल्यू निकलेगी। अब आर डैश निकालने के लिए फिर फर्दर से मुझे किसी न किसी और बॉडी की एफबीडी इसमें से बनानी पड़ेगी, और प्रिफरेबली आप क्या करेंगे,
आप सिक्स्थ कॉइन का एफबीडी बना सकते हैं। फिर सिक्स्थ कॉइन वाले में क्या होगा कि फिर पांचवा वाले का फोर्स आ जाएगा, फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। या ऐसा कर सकते हैं कि छह से लेके एक तक का एफबीडी बना के काम कर सकते हैं, तब भी वैल्यू आर डैश की आ जाएगी। या ऐसा कर सकते हैं कि दसवें नौवे आठवें और सातवें इतने का एफबीडी बना करके आर डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर वो आर डैश की वैल्यू निकलने के बाद आर की वैल्यू निकल जाएगी। एक तो ये तरीका होगा जो कि मैंने आपको बताया कि इसको ऐसे आपके घर पे करना है, राइट। तो समझे बात को, फिर से मैं बता रहा हूं कि आर डैश की वैल्यू यदि निकालना चाहते हैं तो आर डैश की वैल्यू निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, दसवें नौवें आठवें और सातवें इन चारों क्वाइन का एक साथ एफबीडी बना लीजिए। यदि इन चारों क्वाइन का एफबीडी एक साथ बनाएंगे तो क्या होगा, इस केस में दो फोर्सेस लगेंगे। एक तो अर्थ लगाएगा नीचे डाउनवर्ड वेट 4mg, क्योंकि चार ए वन एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम तो 4mg। साथ में आर डैस ऊपर लगाएगा, सिक्स्थ क्वाइन ऊपर लगाएगा, इस पूरे पे लगा रहा है यहां पे, तो आर डैस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर डैस माइनस 4mg विल बी इक्वल टू जीरो। तो आर डैस की वैल्यू 4mg आ गई, तो आर डैस यहां से 4mg आ गया। तो यदि ऐसी बात है तो आर की वैल्यू बताइए कितना होगा, आर प्लस एमजी विल बी इक्वल टू आर डैस, और आर डैश की वैल्यू आपने 4mg निकाली है तो आर कितना हो जाएगा 3mg। एक तो ये तरीका मैंने आपको बताया, मैंने लिखा नहीं हो, मैंने आपको बता दिया है। अब लेकिन मैं इसी प्रॉब्लम को ऐसे कर सकता हूं, मैं सिंपल सी बात है ले सकता हूं दसवां क्वाइन नौवां क्वाइन और आठवां क्वाइन एक साथ। अब इस किस बेसिस पे देखिए, मुझे निकालना है सातवें क्वाइन पे फोर्स ड्यू टू दिस थ्री क्वाइंस, मतलब आठवें आठवें और सातवें के बीच का फोर्स। जब मैं इन तीनों की एफबीडी बनाऊंगा तो सातवां क्वाइन बन जाएगा इसका बेसिकली यहां पे सराउंडिंग। उस केस में इन तीनों की जब एफबीडी एक साथ बनेगी तो कौन कौन से सराउंडिंग होंगे, एक अर्थ हो गया जो कि 3mg नीचे लगाएगा, सातवें सातवां क्वाइन आठवें क्वाइन पे, मतलब इन तीन क्वाइन को कंबाइंड यदि लिया जाए तो इन तीनों पे ऊपर फोर्स लगा रहा है आर। और बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितना ये तीनों मिलके सातवें क्वाइन पे लगाएगा फोर्स, उतना ही सातवां क्वाइन इन तीनों पे लगाएगा, और दैट विल बी द आर, राइट। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे मैं एक ही इक्वेशन में काम कर लूंगा। देखिए ऊपर आर हो गई, नीचे 3mg हो गया, तो आर माइनस 3mg विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 3m इनटू a, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है तो इसलिए आर माइनस 3mg जीरो के इक्वल हो गया, हेंस आर विल बी इक्वल टू 3mg। मतलब क्या हो गया कि सातवां क्वाइन इन तीनों के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, ऊपर को आर लगा रहा है, आर की वैल्यू 3mg है। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोग बोलेंगे कि सातवें क्वाइन पे ये तीनों मिलकर के डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, दैट विल बी इक्वल टू 3mg। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को वर्कआउट किया जाएगा, समझने वाली बात है, राइट। तो इन तीनों के एक साथ एफबीडी बना करके काम कर सकते हैं। आप कंफ्यूज ना होना, सोचेंगे आपके सर कंफ्यूज कर रहे हैं कि पहले एफबीडी बना करके इसका बताया फिर इसका बताया, मैं ये अलग अलग तरीके बता रहा हूं। एक तो ये तरीका हुआ जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, इसकी मैंने वर्किंग नहीं करी, मेंटली बताया आपको, मतलब ऑरली बताया, राइट। अब मैंने एक साथ तीनों की एफबीडी बना करके दसवें नौवें आठवें क्वाइन का करा। अब एक और तरीका है, देखिए मैं एक साथ अब ये तीनों मिल करके सातवें क्वाइन पे कितना फोर्स लगा रहे, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं सात से लेके एक तक का एक साथ एफबीडी बना सकता हूं। अब जब मैं इसका एक साथ एफबीडी बनाऊंगा तो कितने सराउंडिंग होंगे, तीन हो जाएंगे। एक तो ऊपर का तीनों क्वाइन मिलके आर नीचे लगाएगा, देखिए आर नीचे लग रहा है, आर नीचे लगाएगा ये तीनों सराउंडिंग, ये तीनों सराउंडिंग का जब काम करेगा तो आर नीचे लग गया। दूसरा ये वाला फ्लोर जो कि ऊपर लीजिए एन लगाएगा, और टोटल वेट सात क्वाइन है तो टोटल वेट जो कि अर्थ लगाएगा 7mg डाउनवर्ड। अब आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया हूं तो एन माइनस आर माइनस 7mg इक्वल टू जीरो। तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर विल बी इक्वल टू हाउ मच, एन माइनस 7mg। अब एन की वैल्यू निकालनी तो एन के लिए हम लोग पूरी की एफबीडी बना लीजिए, पूरी की एक से लेकर दस तक। यदि मैं पूरी की एफबीडी बनाऊंगा तो पूरी की एफबीडी बनाऊंगा तो ऊपर जो ये वाला सरफेस एन लगा रहा है, नीचे वे 10mg, तो हो गया एन की वैल्यू सिंपली कितना 10mg। तो एन की जगह 10mg डाल दिया तो 10mg माइनस 7mg विल कम आउट 3mg। ये भी एक तरीका है, वेरियस वे से मैं बता रहा हूं आपको ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इसके बारे में समझ में आए। देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम।
तो R की वैल्यू इससे, ये जब FBD बना के काम करेंगे तब भी 3 mg आ रही है, राइट right? फाइनली मतलब क्या होगा कि यदि मैं कई मेथड देखूं तो इसमें से ये वाला बेस्ट मेथड है, इसमें एक लाइन में काम हो रहा है। सिंपल सी बात है, आप ये तीनों आपने क्वाइन ले लिया सिस्टम के अंदर, तो सातवां क्वाइन जो कि यहां पे अब सराउंडिंग का काम करेगा और जिसके ऊपर एक्चुअली फोर्स निकालना है, तो बात यह कि ये तीनों मिलकर के सातवें पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही सातवां न्यूटन थर्ड लॉ से इसके ऊपर उतनी मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगा देगा, उसके बेसिस मैंने आर निकाल लिया, तो आर की वैल्यू 3 mg आ गई थी। तो दिस वन इज द बेस्ट मेथड बाय टेकिंग द सिस्टम एज द 10th, 9th, and 8th, मतलब 8वें, 9वें, 10वें क्वाइन को लेकर के, राइट right? तो ये वाली बात यहां पे है। तो इसका मतलब फाइनली हमने क्या कहा कि द फोर्स ऑन द 7th क्वाइन, तो सातवें क्वाइन पे ड्यू टू दीज 3 क्वाइन कहां लगेगा फोर्स, डाउनवर्ड लगेगा, और कितनी वैल्यू होगी 3 mg के इक्वल होगी, राइट right? तो ये तरीका रहेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, मैंने वेरियस वे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आपको बताया है, राइट right? फिर सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट कह रहा है द फोर्स ऑन द 7th क्वाइन बाय द 8th क्वाइन, बात वही है, वही वाली बात है, अभी तो वही कह रहे थे कि भाई कि यदि आप ये तीनों इसके लिए सराउंडिंग का काम कर रहा है तो ये तीनों मिलकर के जो फोर्स सातवें क्वाइन पे लगाएगा वही एक्चुअल फोर्स है आठवें और सातवें क्वाइन के बीच में, तो बात वही है द फोर्स ऑन द 7th क्वाइन, ऑन द 7th क्वाइन, सातवें क्वाइन पे फोर्स बताइए बाय द 8th क्वाइन, मतलब इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है, वही आर ही है, ये आर ही है। जब मैं इसकी एफबीडी बना रहा हूं तो उस केस में देखिए सातवें क्वाइन पे आठवां क्वाइन वही फोर्स नीचे आर को लगाएगा। अब ये ना समझना कि आठवां क्वाइन केवल एमजी लगाएगा, गलत कर जाते हैं बच्चे। बात यहां पे कि इसका मतलब यह कि द फोर्स ऑन द 7th क्वाइन बाय द 8th क्वाइन का मतलब है कि आठ और सात के बीच का जो यहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स है वो आपको बताना है, और वो कॉन्टैक्ट फोर्स की वही वैल्यू होगी जो तीनों मिलकर के इस पे अप्लाई करेगा, और वही आर ही है यहां पे, तो इसकी वैल्यू भी 3 mg होगी। और आठवां क्वाइन देखिए यहां पे द फोर्स ऑन द 7th क्वाइन बाय द 8th क्वाइन, तो बाय द 8th क्वाइन आठवें क्वाइन पे बाय द 8th क्वाइन सातवें क्वाइन पे 3 mg का एक फोर्स लगाएगा, और वो भी डाउनवर्ड ही लगाएगा, राइट right? ये वाली बात हो गई। अब कहा गया लास्ट पार्ट देखते हैं, यहां पे लास्ट पॉइंट में कहा गया द रिएक्शन ऑफ द 6th क्वाइन ऑन द 7th क्वाइन। देखिए अब द रिएक्शन ऑफ द 6th क्वाइन, छठे क्वाइन का रिएक्शन बताना है ऑन द 7th क्वाइन, ऑन द 7th क्वाइन मतलब इन दोनों के बीच का एक तरह से फोर्स बतानी है, और यह बताने कि छठा क्वाइन का रिएक्शन सातवें पे कितना होगा। इसका तो हम लोग शुरू के 4 क्वाइन का एफबीडी बना लेते हैं, बना दिया मैंने, मतलब एक तरह से सातवें या छठे क्वाइन के बीच का नॉर्मल रिएक्शन पूछा जा रहा है, और वो नॉर्मल रिएक्शन जो छठा क्वाइन सातवें पे लगा रहा है, तो मैं दसवां क्वाइन, नौवां क्वाइन, आठवां क्वाइन, सातवें क्वाइन को मैं एफबीडी में कंसिडर कर लिया, और छठा क्वाइन जो है सातवें क्वाइन के ऊपर ऊपर फोर्स लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन आर डैश। तो इसकी जब एफबीडी बनाएंगे तो इसके लिए दो ही सराउंडिंग है, एक तो ये वाला आपका छठा क्वाइन जो इनके साथ कॉन्टैक्ट में इन चारों के साथ, तो ये आर डैश देगा, और दूसरा कौन है अर्थ, तो नीचे क्या हो गया 4 mg, क्योंकि 4 m है इसका मास, तो 4 mg इज द वेट, तो इसका मतलब आर डैश माइनस 4 mg विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि रेस्ट में 4 m × 0, 4 m × एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, तो आर डैश माइनस 4 mg इक्वल टू 0 हो गई। इससे आर डैश की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 4 mg के इक्वल आ गई। मतलब क्या हो गया कि जो छठा क्वाइन है सातवें क्वाइन पे कितना रिएक्शन डाल रहा है, 4 mg की वैल्यू डाल रहा है, कहां डाल रहा है, ऊपर को डाल रहा है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को आपके सामने काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करके बताया कि मैं अलग अलग एफबीडी लेकर के बना सकता हूं, और फोर्सेस का ध्यान रखना, बात यहां पे ये है, कंफ्यूज मत होना इस बात से, मेरी बात आप समझे कि कहा गया यहां पे कि भाई कि यहां पे मतलब ये देखिए द फोर्स ऑन द 7th क्वाइन ड्यू टू ऑल द क्वाइंस, सातवें क्वाइन पे तीनों क्वाइन की वजह से फोर्स, इसका तो हो गया एक तरह से पूछा जा रहा है कि आठवें और सातवें क्वाइन के बीच का नॉर्मल रिएक्शन बताइए, ये पॉइंट है यहां पे, राइट। तो इस प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से सोच समझ के सॉल्व करना ताकि आपको नॉर्मल रिएक्शन की पूरी कॉन्सेप्ट की अच्छी क्लैरिटी हो जाए, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने ये प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आई ही होगी कि कैसे वर्कआउट करना इस प्रॉब्लम को, और बड़े ध्यान से पेशेंटली इस क्वेश्चन को समझना, केवल ये नहीं कि आंसर लिखने में
ना लग जाना, और यदि आप आंसर लिख भी रहे हैं तो सोच समझ करके बिल्कुल दिमाग लगा के काम करना आप, राइट। तो यहां पे ये पॉइंट है। और साथ में जितने भी पीछे के लेक्चर्स हैं लॉज ऑफ मोशन के, यदि आप आईआईटी लेवल का देखना चाहते हैं तो आईआईटी लेवल का जाकर जेई लेवल का देख लीजिए, यदि नीट लेवल का देखना चाहते हैं तो नीट लेवल का देखिए, यदि क्लास इलेवंथ का लेवल का देखना चाहते हैं एनसीईआरटी या बोर्ड लेवल का देखना चाहते हैं, लेक्चर समझना चाहते हैं तो वो जाके देखिए। मैंने हर लेवल पे जो है लॉज ऑफ मोशन के ऊपर वर्कआउट करके आपको बताया है, उसके ऊपर वीडियो लेक्चर दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आप पीछे के सारे लेक्चर्स को देखिए समझिए तब जाकर, क्योंकि ये एक जो हम लोग फिजिक्स का ये सारे कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं ये हर जगह पे इंजीनियरिंग एंड साइंस में डे टू डे लाइफ में सबका यूज है। आपका चलना उठना बैठना सब कुछ यहाँ पे फोर्स से ही रिलेटेड है, राइट। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट्स को समझना और उसे डे टू डे लाइफ में जब अप्लाई करेंगे कि कैसे कोई भी बॉडी जो है टेबल के ऊपर कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसके ऊपर क्या क्या डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं उसके ऊपर सोचिए, राइट। तो ये वाली बात है। तो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में और उसमें फिर से आगे की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, प्रॉब्लम की बात करेंगे। और जैसा कि मैं कई बार कहता ही रहता हूं कि आप लेक्चर्स को लाइक कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, अच्छे सब कमेंट्स लिखिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ज्यादा आप लोगों के लिए काम करने के लिए। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में।